Assalamualaikum, welcome to cooking on budget. कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। चावल बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पानी बॉईल कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन एक चम्मच नमक, तकरीबन हाफ के जी चावल है जिसको दो घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। अब मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल बॉईल होना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना, बस ये हो गए हैं। अब मैं इसको इस गर्म पानी से निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ कप ऑयल लेके उसको गर्म कर लिया है। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन दो अदद शिमला मिर्च पड़ी है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दो अदद गाजरे हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें तकरीबन एक चम्मच में नमक ऐड कर दूंगी, एक चम्मच काली मिर्च डाल दूंगी, एक चम्मच सोया सॉस डाल दूंगी। हम लोग मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बहुत ही मजे का तैयार हो जाएंगे एग फ्राइड राइस। अब आप लोगों को रेस्टोरेंट जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को घर में ही बहुत इजी से आप लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक पैन लेके इसको हल्का सा ऑयलिंग कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन तीन अदद अंडे हैं, इसमें मैं हाफ टेबल स्पून जो है सोया सॉस डाल दूंगी। इसको मैं फेंट लूंगी। हम लोगों ने फेंट ली हैं, अब हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, अंडे फ्राई हो रहे हैं। चम्मच हिलाना है। ये देखें जी, अंडे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें जो मैंने चावल बॉईल किए थे ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर ग्रीन अनियन है तकरीबन एक बाउल जितनी, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अंडे जो भी हमने फ्राई करके छोटा छोटा कर लिया था ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक चम्मच काली मिर्च है, ये मैं भी मैं इसमें डाल दूंगी। एक चम्मच सिरका डाल दूंगी, एक चम्मच सोया सॉस। इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ। मेरे पास थोड़ा सा नमक पड़ा हुआ है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा डालना ही, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स में भी डाला था, चावलों को भी बॉईल करते हुए डाला था। आप लोग टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, हसबे जायका। इन चावलों को मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें जी, कितने जबरदस्त से हमारे एक फ्राइड राइस लग रहे हैं। अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट्स के लिए दम के लिए रख दूंगी। अब हम चिकन मंचूरियन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने तकरीबन 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। एक बाउल में मैं ये चिकन डाल दूंगी, बोनलेस चिकन। एक चम्मच कुटा हुआ लहसुन, आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच नमक, एक चम्मच सोया सॉस। उसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर मेरे पास 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक अदद अंडा है, इसको मैंने फेंट लिया, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। सारे मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। यहाँ पर जो मैंने चिकन मैरिनेट की थी चिकन मंचूरियन के लिए, ये मैं इसमें अब डालना स्टार्ट करती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, सारा बोनलेस चिकन मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसको आप लोगों ने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। वाइट चिकन बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अब हम लोग चिकन मंचूरियन रेडी करती हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट डाल दूंगी। एक बॉल के करीब ग्रीन अनियन से ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक दरमियानी साइज की शिमला मिर्च थी, जिसको मैंने क्यूब्स में काट दिया था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक अदर प्याज है, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट के ये भी मैंने इसमें डाल दिया। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, 5 टेबल स्पून सिंपल टोमेटो केचप, 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1/2 टेबल स्पून चीनी। सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब यखनी पड़ी हुई है चिकन की, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अगर नहीं है तो आप लोग पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो चिकन फ्राई की थी ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चम्मच हिलाते रहिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जबरदस्त हमारा बहुत ही आसान सा चिकन मंचूरियन रेडी हो गया है। थोड़े से ग्रीन अनियन से ये मैं इसमें डाल के इसको सर्व कर दूंगी। अब हम फ्राइड राइस चेक करते हैं। ये देखिए जी, कितने जबरदस्त से हमारे फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये लिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी से एग फ्राइड राइस विद चिकन मंचूरियन रेडी हो गई है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।